Hi, this is Farooq Khan and welcome back to my channel FRK Info. And please मेरी वीडियो को लाइक करें and चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. अगर हम तुर्की की बात करें तो ये एक खूबसूरत देश है. यहाँ के टूरिस्ट प्लेस को देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं, जिसमें से बहुत सी मस्जिदें और मकबरे शामिल हैं. आज मैं आपको बताऊंगा उस्मान गाजी के मकबरे के बारे में. उस्मान गाजी का मकबरा बुर्सा में बना हुआ है. यह एक ऊंची पहाड़ी पर बना है. जब आप इसके अंदर जाएंगे तो इसके लेफ्ट साइड में उस्मान गाजी का मकबरा है और इसके राइट साइड में ओरहान गाजी का मकबरा है. उस्मान गाजी के मकबरे के बाहर उनके परिवार के कई लोगों के कब्रें मौजूद हैं और इसके राइट साइड में यूनेस्को का एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है कि उस्मान गाजी और ओरहान गाजी के मकबरे यूनेस्को के हेरिटेज बिल्डिंग में आते हैं. उस्मान गाजी के मकबरे के बाहर आपको सिपाही देखने को मिलेंगे. ये सिपाही देखने में बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे उस जमाने में थे. उस्मान गाजी के मकबरे के अंदर उनकी कब्र के साथ साथ उनके परिवार के कई लोगों की कब्र अंदर बनी है. ओटोमन साम्राज्य के संस्थापक और पहले सुल्तान उस्मान गाजी का जन्म सन 1258 ईस्वी में बुर्सा के पास सऊद में हुआ था. वह अर्तुगरुल गाजी के तीन बेटों में से एक थे और उनकी मां का नाम हलीमा सुल्तान था. उस्मान गाजी केवल 23 वर्ष के थे जब उन्होंने सऊद में काई कबीले का नियंत्रण किया था. अपने पिता की मृत्यु के बाद उस्मान गाजी सिंहासन पर बैठे थे. सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने अपने आसपास के कई तुर्कमान समूहों को इकट्ठा किया और बाज़ंतीने के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें सलजूक के अलाउद्दीन के कुबात के साथ सहयोग मिला. जब अलाउद्दीन के रिवासंग के सलजूक साम्राज्य शासक विहीन रहा तो उस्मान गाजी ने सन 1299 में उन्हें अपने शासन में फिर से मिला लिया और इतिहास को ओटोमन साम्राज्य की नींव के रूप में चिन्हित किया. उस्मान गाजी ने अपने भाइयों, बेटों और करीबी समर्थकों के साथ शेर से बिजेंटीन साम्राज्य के खिलाफ अपने अभियान जारी रखे. उसने स्थानीय शासकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करते हुए बाज़ंतीन व्यापार मार्गों को काट दिया. 1320 के बाद वह बीमार हो गए, इसलिए उनके बेटे लड़ाई जारी रखी. बाज़ंतीन के कई शहरों पर कब्जा कर लिया था. सऊद में 68 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी कब्र बुर्सा में बनाई गई. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.